मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ किया रवाना। रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव लेगी, सुझावों को घोषणा पत्र में किया जाएगा शामिल। पौड़ी जिले में लेंसडाउन में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, दो मिनट का मौन रख उनकी आत्मिक शांति की कामना की। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज हुई, गदापुर में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कहा। ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की जा रही है जांच, बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के नहीं मिल रहा प्रवेश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना कर दिया है। इस रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव भी लेगी, जिनको बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इस रथ में सुझाव पेटियां भी रखी गई हैं, जिसमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। यही नहीं, इस रथ के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी और इन्हीं सुझावों के आधार पर आने वाले चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी का खनन के मामले में वायरल पत्र के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच गहनता से चल रही है। देखिए, ऐसा है, जिसके भी ओएसटी के वहाँ से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहाँ से हटा दिया है, उसकी हम जांच। और जहाँ तक अवैध खनन की बात या खनन की बात करते हैं, ये 900 बिल्ली खा के जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हट को चली वाला हिसाब है। ये लोग जो है हमारे ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। कोई खनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो रहा है। कहीं पर भी आप लोगों के माध्यम से किसी के माध्यम से एक बात आई तो उस पर कार्रवाई होगी, ये लगातार हम कर। पौड़ी जिले के लेंसडाउन में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित सभी उपस्थित लोगों के द्वारा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके उपरांत 2 मिनट का मौन रख कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने पौड़ी जिले का नाम रोशन किया है, वो हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। इस अवसर पर कुलदीप रावत, डॉक्टर एसपी नेथानी, राजीव, डॉक्टर सतीश, अजय अग्रवाल, राकेश शर्मा, डॉक्टर हल्दर, भावना वर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी श्रद्धा उनके प्रति प्रकट की है और मैं समझता हूं कि ऐसे इंसान बहुत विरले होते हैं। इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो स्वभाव से बहुत सरल हों। मैंने बच्चों के साथ भी उनको देखा, इस तरह से वो घुलते मिलते थे युवाओं के साथ, और जब कभी निर्णय लेने की बात आई तो निर्णय लेने में जितने वो निडर थे, इतना निर्भीक थे, ऐसी असाधारण पर्सनैलिटी है वो गई है। देश के पहले CDS तो थे ही, लेकिन उत्तराखंड को भी उनकी वजह से एक विशेष पहचान मिली। देखिए, स्वर्गीय बिपिन रावत जो सेना में जनरल रहे, CDS रहे, वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है, एक गर्व का विषय है। ऐसा वीर सेनानी बहुत अरसों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ही पैदा होता है, और हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी कि हमारा पुत्र, उत्तराखंड का एक पुत्र और खासकर पौड़ी गढ़वाल का एक पुत्र सेना में इतने सीनियर पोस्ट पे, सबसे सीनियर पोस्ट पे पहुंचा। लेकिन हमें आज अपार दुख हो रहा है कि उनकी असामयिक मौत हुई है। वीरता के नए नए कीर्तिमान गढ़े।
गदरपुर के एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को देहरादून की रैली में ले जाने की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर दीपिका पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से देहरादून जाने वालों की संख्या पता चल गई है। उससे उम्मीद है कि गदरपुर के क्षेत्र की जनता भी 16 दिसंबर की रैली में प्रतिभाग करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग गदरपुर क्षेत्र से भी 16 दिसंबर की देहरादून रैली में पहुंचेंगे। इस मौके पर नगर ब्लॉक अध्यक्ष नासिर हुसैन ने कहा कि दीपिका पांडे ने गदरपुर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और रैली की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। सोलह तारीख को हमारे राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं परेड ग्राउंड में और उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज दीपिका पांडे हमारे सह प्रभारी जी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आई थी। लगभग 2 से 2500 लोग और 50 बड़ी बसें और सैकड़ों छोटी गाड़ियां इस रैली में परेड ग्राउंड मैदान में 16 तारीख को पहुंचेंगी। महिलाएं भी जा रही हैं। जी, उसमें महिलाओं की भागीदारी रहेगी। महिलाओं के साथ साथ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों की समुचित भागीदारी रहेगी। बांग्लादेश के 50वें साल पूरा होने पर जो जीत हम लोगों ने हासिल की थी, उसके लिए हम लोग जो पूर्व सैनिक हैं या जिन्होंने उस युद्ध में योगदान किया था, उनका सम्मान करने के लिए उनकी याद में हम लोग इस रैली को कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड पे यह रैली होगी। इसको लेकर के बैठक, हमारे प्रदेश स्तर की बैठक देहरादून में पहले हो चुकी है। विधानसभावार सभी जगह बैठक कराई जा रही है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और उसकी तैयारी में पूरा उत्तराखंड लग गया अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी के स्वागत में। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। देश भर में लोग शहीद बिपिन रावत को अपनी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिपिन रावत के निधन पर हरिद्वार नगर निगम की मेयर अनीता शर्मा ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हरिद्वार नगर निगम के मुख्य द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत स्मृति द्वार रखने की घोषणा की है। अनीता शर्मा ने कहा कि बिपिन रावत उत्तराखंड के वीर सपूत थे। देश के लिए उनके द्वारा की गई सेवा के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। हालांकि उनके निधन के बाद अब राज्य में शहीद स्मारक बनाने के साथ सड़कों और स्कूलों के नाम उनके नाम पर रखने की मांग भी होने लगी है और इसी कड़ी में हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने नगर निगम के मुख्य द्वार का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। मैं तो ये देख रही हूं, परसों से जब जैसे ही मैंने सुना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारे बीच में नहीं रहे वो। जैसे उनका हमने सुना न्यूज में तो बड़ा बहुत ही दुख सा हुआ। मतलब उन्होंने देश के लिए, सेना के लिए जो बहुत कार्य किए हैं, तो ये तो ऐसा कार्य तो कोई कर भी नहीं सकता है। तो मैं कहूँगी कि मैं उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं एक घोषणा भी आज मैंने की है कि जो नगर निगम है उनके नाम से ही जाना जाए नगर निगम द्वार जो है बनेगा। जो बिपिन, जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, उन्हीं के स्मृति द्वार बना जाएगा और हम उसको बोर्ड में भी रखेंगे और ये पास के नाम से जाना जाएगा। तीनों कृषि बिल की वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर एक साल से चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को समाप्त होने के बाद देश भर के किसान अब आंदोलन स्थल से अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। किसानों की घर वापसी पर उत्तराखंड नारसन बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पहुंचे किसानों ने उत्तराखंड नारसन बॉर्डर से विजय यात्रा निकाली। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि किसानों के सामने पीएम ने घुटने टेक दिए। कृषि बिल के काले कानून की वापसी से किसानों की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ना ही किसान उनकी शहादत को भुला पाएगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 कृषि काले कानून बनाए थे, लगातार किसान उनका विरोध कर रहे थे। एक साल से हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चले हुए थे और ये सरकार का जो घमंड था, ये किसानों ने, देश की जनता ने उसे तोड़ा है। ये अहंकार सरकार के अंदर आ गया था। जिस आशा और विश्वास से किसानों ने यह सरकार बनाई थी, जनता ने सरकार बनाई थी, उसके विश्वास पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही और ये देश के किसान की जीत हुई। ये देश का किसान आज एक साल बाद जीत कर गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से अपने घर वापसी कर रहा है। किसानों का एक ही नारा था, बिल वापसी तो घर वापसी।
तो सरकार ने किसानों ने सरकार का घमंड तोड़ा और बिल वापसी हुए और आज सभी किसान धीरे धीरे अपने घर को लौट आए। दिन उसकी हम कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतनी खुशी का दिन है हमारे लिए। एक ऐसी लड़ाई हमने जीती, हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, पर हमें ऐसा लग रहा है आज़ादी की लड़ाई हो सकता है इससे आसान हो, उससे यह बड़ी जीत है आज किसानों की, और उससे बड़ी आज हम जीत मान का अवसर हमारे लिए किसान भाइयों के हो नहीं सकते। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचा दी है। देश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केस मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है। प्रदेश में आने वाले यात्रियों की RT-PCR की रैंडम जाँच के बाद ही अब देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। देवभूमि के प्रवेश द्वार पर नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जांच की जा रही है और बिना RT-PCR रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में राज्यों की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यटकों की कोरोना जांच करने में भी जुटी हुई है, जबकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और इसी को लेकर सीमाओं पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे पर्यटक बिना कोविड जांच के प्रदेश में प्रवेश ना कर पाए। सरोवर नगरी नैनीताल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा वादों का मौके पर ही आपसी विवाद को सुलझाते हुए निस्तारण कर दिया गया और करोड़ों रुपए की धनराशि दिलाई गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक और वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा के निर्देशन में पंजीकृत 325 वादों में से 55 का निपटारा कर 3 करोड़ से ज्यादा समझौता राशि दिलाई गई। उत्तराखंड विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति RC खुलवे की पीठ में वादों की सुनवाई हुई, जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी जैसे जनपदों के वादों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जिला जज RK खुलवे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी संख्या में आए हुए वादों का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत जो हमारी चल रही है बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय में ही करीबन जो है 55 से 60 केस जो है 16 समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाएंगे। मुख्यतः इनमें जो हमारे जिला न्यायालयों में भी 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी आयोजित की जा रही है। उन सभी को मिलाकर के जो है कुछ हज़ार केस हमारे निस्तारित हो जाएंगे, जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के वाद हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं 16 समझौते के आधार पर वो भी निस्तारित होंगे। इसके अलावा जो चेक डिसऑनर के केस हैं वो भी होंगे। अच्छा, जो राजस्व भी आयोजित कर रहे हैं उनमें राजस्व वाद भी निस्तारित होंगे। भगवानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उत्तराखंड की धामी सरकार को आगाह किया कि यदि हरियाणा की तर्ज पर हमारा ग्रेड पे और अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सरकार को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मांगों को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक को मामले का शीघ्र ही निपटारा करने का आदेश दिया। संगठन के मीडिया प्रभारी ने कहा कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में संगठन के सभी लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन सरकार ने परमानेंट चिकित्सकों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन देकर सम्मान किया और हमारा सम्मान को सिर्फ आश्वासन की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। मीडिया प्रभारी जगदीश सिंह नेगी ने कहा कि यदि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के लोग अपने परिवार के सदस्यों को साथ लाकर सड़कों पर उतर जाएंगे। छह दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी तक सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसमें हमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मिशन निदेशक को निर्देशित किया है कि इनसे वार्ता कर इस समस्या का समाधान किया जाए। और हमारी 2 सूत्री मांग है कि हमें हरियाणा की तरफ पर हमारा ग्रेड पे लागू किया जाए, HR पॉलिसी लागू की जाए और क्या बोलते हैं जो ये आउटसोर्सिंग है उसको ख़त्म किया जाए।
दो सूत्रीय मांग में एक तो हरियाणा की तर्ज पे एनएचएम को समायोजन किया जाए और हमारे आउटसोर्सिंग को ख़त्म करके उसको एनएचएम में समायोजन किया जाए। मांगे नहीं पूरी थी, हम भी अपने संगठन के साथ हैं और जब तक नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। अगर आप भी स्नो स्किंग का शौक रखते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ओली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी में आयोजित किया जाएगा। जी हां, स्किंग फेडरेशन के सूत्रों के अनुसार आयोजन के लिए 7 से 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है और स्की एंड स्नो बोर्ड इंडिया ने प्रतियोगिता आयोजन के लिए स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को अनुमति दे दी है। हालांकि प्रतियोगिता का आयोजन पूरी तरह से बर्फबारी पर निर्भर रहेगा। स्किंग खेलों के लिए ओले की नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप को अंतरराष्ट्रीय शीतकालीन महासंघ FIS से मान्यता प्राप्त है। यहां पर हर साल फरवरी में बर्फबारी के बाद स्कीइंग के राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित किए जाते हैं और हर साल आपको बता दें कि प्रदेश के स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड को ओली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में संघ के महासचिव प्रवीण शर्मा ने कहा कि नेशनल विंटर गेम्स 2022 को ओली की मेजबानी में कराने की अनुमति मिल गई है और हम ओली में फरवरी महीने में इन शीतकालीन खेलों को कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो यानी कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब इस तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा तो कुछ ऐसे ही तस्वीरें ओली में देखने के लिए मिलेंगी। स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि नेशनल जूनियर एंड सीनियर ओली में कंडक्ट करने के लिए 2022 में, उसकी तैयारी में लगे हैं। एक जॉइंट सर्वे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ITBP, गढ़वाल मंडल विकास निगम, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एसोसिएशन सब ने मिल के किया है और जो जो कमियां या जो जो इम्प्रूवमेंट्स होनी है उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उस इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।